इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल विविध स्वाद के व्यंजनों से सजी प्लेट की तरह है। इससे आपके समक्ष विविधता से पूर्ण संस्कृति और कला के व्यंजन पेश किए जाते हैं, ऐसा नागपुर जिले के ऊर्जा मंत्री एवं पालक मंत्री डॉ. नितिन राउत ने कहा। वह ऑरेंज सिटी कल्चरल फाउंडेशन और नागपुर नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 6th ऑरेंज सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। वरिष्ठ निदेशक डॉक्टर जब्बार पटेल, कनाडा के महावाणिज्य दूतावास माइकल वोंग, वरिष्ठ कलाकार और समीक्षक समर नखाते, जयंती फिल्म के निदेशक शैलेश नलवाड़े, आयोजन समिति के प्रमुख डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम, विदर्भ साहित्य संघ के श्रीविलास मानिकर और आयोजन समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे। डॉक्टर राउत ने कहा कि दिन भर के काम के तनाव को दूर करने के लिए संगीत और साहित्य उपयोगी है। अम्बेडकरवादी समुदाय फिल्म उद्योग से दूर नहीं है, कई गुणवत्ता वाली फिल्में दी जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म महोत्सव नौसुखियों के लिए उपयोगी है। डॉक्टर जब्बार पटेल ने नागपुर में बाबा साहेब अम्बेडकर पर आधारित फिल्म की शूटिंग की यादें ताजा की। लगभग 120 देशों से हर साल करीब 2,500 से 3,000 फिल्में पुणे आती हैं। इसकी स्क्रीनिंग साल भर चलती रहती है। इनमें से 14 सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों और 7 मराठी फिल्मों का चयन किया गया है। इन फेस्टिवल के मौके पर दुनिया में फिल्म के क्षेत्र में क्या चल रहा है, उन्होंने कहा कि नया क्या है कि बारे में जानकारी प्राप्त करना शुरुआती लोगों के लिए एक मार्गदर्शक है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सुधीर भावे ने किया और डॉक्टर उदय गुप्ते ने धन्यवाद किया। उद्घाटन समारोह के बाद ईरानी फिल्म ए हीरो का प्रदर्शन किया गया। डॉक्टर नितिन राउत ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए 1 करोड़ रुपए की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग की कंपनियों के CSR से राशि उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने सरकार की ओर से अपना पूरा समर्थन देने का भी वादा किया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।